निखिल ने वाकई में यहाँ पे काम किया है, लाइव पावर सिक्यूल लगाया है यहाँ पर, मेरे पास में स्टूडेंट है, आपका नाम है निखिल। निखिल कहाँ से आप? उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से सर? भुवनेश्वर। वाह, तो मुझे बताइए कि क्या करते हैं आप? मोबाइल रिपेयरिंग का मैं क्या करते थे, क्या किस खुद की शॉप बैठ कर देखा जी? शॉप बंद कर दिया। शॉप बंद करके आए यहाँ पर, क्या काम कर पाते थे वहाँ पर? तो आपने क्या सोच की इसे टेलीकॉम को ज्वाइन किया? मेरे 2 साल से वीडियो देख रहा हूँ। हाँ हाँ जी, मेरे दोस्त ले गए हैं, दीप्ति रंजन जो आया था। दीप्ति रंजन, क्या बात। मेरे दोस्त ने बस उसी बस काम करता था, लेकिन उसने पूछा कहाँ से जाएंगे, कहाँ से अच्छा रहेगा, अभी दिमाग में लगा कि यार आईटी नया नई प्रोग्रामिंग बड़ा काम होता होगा, बड़े टेक्निक लगता था। हां आईफोन हम करने जाते हैं, अरे आईफोन के सीपीयू को क्लीन करना आपको बताया, और एक ऐसे स्टूडेंट से करवाया जिन्होंने जीवन में स्क्रैपर नहीं उठाया, मुश्किल से लगा, और एक ग्लास आईसी को इतना आसानी से उन्होंने क्लीन कर दिया, एक भी पैड निकला था क्या? आपसे बताऊं क्या एक भी पैड ब्लैक टेस्ट में निकलेगा क्या? सादा दिन मतलब इंस्टीट्यूट या दुकानों में क्या होता है, 2 दिन जब बोलते ना आओ 1 महीना बैठो, जितना आपको बैठना बैठो, डेली के फोन बनाओ, सब फेक है। ये बुला लेते हैं, और बुलाने के बाद में ना ये पहले तो आपके फोन में आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, एक ही रिबोलिंग को तो 10 दिन करवाएंगे, नॉलेज इनको किसी भी सेक्शन का नहीं है, सीधा ये नहीं आया तो ये उठा देना, ये नहीं आया तो ये उठा देना, या इसे रिबोल कर देना, और जब उनको लगता है कि हाँ उनका दिन हो गया तो वो इतने चिढ़ जाते हैं, फिर उनको लगता है कि कब ये भगे, हाँ सामने वाला सीखे ना सीखे, मतलब ऑलमोस्ट दुकान में बैठने वाले का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, तो क्यों नहीं बैठे दुकान में यार? कि यूट्यूब में उनको तो नॉलेज नहीं रहता, सच में नहीं रहता, मैं सच बता रहा, तो उनको पता है हम भी कैसे कहेंगे। बिल्कुल, मैं इस वीडियो के थ्रू और एक लाइन के थ्रू बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलिंग मैनेजमेंट में अगर कभी हम आपको बताएं तो 20% कॉलिंग हमारे को डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के टीचर लोग की आती है, जो अपना नाम आइडेंटिटी बताकर चेंज करके हमारे यहाँ आना चाहते हैं। ऐसे कुछ भोपाल के भी हैं, कुछ आगरा के भी थे, कुछ दिल्ली के भी थे, जो यहाँ पर टीचर हैं ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, और वो यहाँ पर एज अ बीन स्टूडेंट बनना चाहते हैं, पर वो जब आइडेंटिटी पकड़ जाती है तो वही चीज़ है, फिर वो हाइड हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ किसी आदमी को हम तभी कैपेबल या काबिल समझते हैं जब हम ऑलरेडी उसको जानते हैं। आप इस टेलीकॉम को 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, आपने हमारे कितने वीडियो देखे, हमने खुद लाइव काम करके यहाँ पे सारी चीज बताई है, हर फोन यहाँ पे बना के बताया है, बहुत हजारों स्टूडेंट यहाँ से गए हैं, तो आप एक ऐसे बंदे को कैसे पैसे दे सकते हैं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, जिसने आपने कभी देखा ही नहीं है असेंबली में बैठे हुए, है ना? तो क्या बोलना चाहेंगे लास्ट की कोई घूमने से दिख क्यों नहीं? अगर अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं और टीम टीम में काम सीखना चाहते हैं जी, ऐसे बेस्ट काम सीखेंगे, बेस्ट टेक्नीशियन बनना है, हार्डवेयर का सब पहले यूएमसी डबल टेकर जो भी काम पूरा ए टू जेड काम सीखना है, तो बेस्ट है आपका जी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू से परमिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?